Next is again little bit different. Next is 4 plus x, again यहाँ पर हमें solve करना है, sorry, 4 plus x, 5 minus x upon 2 plus x, 7 minus x is equals to 1. मैं 1 by 1 लिख देती हूँ, ठीक है? अगेन यहाँ पर हमें क्या करना है? क्रॉस करना है. 4 plus x, 5 minus x. 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो there will be no effect in the actual term. Similarly, ये यहाँ क्रॉस में जाएगा, तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई जब होगा, तो एक्सप्रेशन as it is रहेगा. Now, distributive property के थ्रू हम इसे ओपन करेंगे. 4 का हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 5 is 20 minus 4x. Similarly, x के साथ होगा plus 5x minus x square. LHS सॉल्व हो गया. सेम पैटर्न RHS में अप्लाई होगा. 2 7 is 14 minus 2x. Then x का मल्टीप्लाई होगा plus 7x minus x square. सबसे पहले जो directly eliminate हो रहा है, हम उससे directly eliminate कर देंगे. ये भी minus का x square है, and ये भी minus का x square है. इसको जो हम LHS से RHS में लाएंगे, या RHS से LHS में लाएंगे, तो इसका sign obvious है, change होगा. Minus x square उधर आके क्या हो जाएगा? Plus x square. और वो दोनों क्या हो जाएंगे? Cancel हो जाएंगे, zero देंगे. तो मैंने direct ही cancel कर दिया. Now, 20 minus 4x plus 5x is x. Similarly, plus 5x. So, like means xx वाली term एक तरफ and number एक तरफ. ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? X minus 5x is minus 4x is equal to minus 6. So, x equal to minus 6 upon minus 4, minus minus cancel, 2 2's are 4, 2 3's are 6, so 3 by 2, means your answer is x equal to 3 by 2, fine, now I am taking little bit, now I am taking another question which is totally in the form of variable, there is no number. अभी ये क्वेश्चन को करने में मजा आएगा, ठीक है? सॉल्व x plus b upon a minus b is equals to x minus b upon a plus b. अभी ये क्वेश्चन को करने में थोड़ा मजा आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ऑल आर अल्फाबेट्स, वेरिएबल के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करना होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, प्रोसीजर वो का वही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर मल्टीप्लिकेशन अगर आप ब्रैकेट्स लगा लें तो आपके लिए ही कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है? क्रॉस किया, x प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा. सिमिलरली एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, क्रॉस हो गया. नाउ एक्स का हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक्स विल मल्टीप्लाई बाय ईच एंड एवरी टर्म. व्हेन एक्स मल्टीप्लाई बाय ए, इट विल गिव यू ए एक्स. When x multiplied by b, it will give you bx. Now, it's time to multiply by b. When b will multiply by a, it will give you ba. तो हम उसको alphabetically लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? ab. बट आप ba भी लिख सकते हैं. Plus b will multiply by b, then it will give you b square. Fine? Right hand side. Same procedure. X will multiply by A will give AX minus BX.
सिमिलरली बी का करेंगे माइनस बी ए, माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी इज प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें जो एलिमिनेट हो रहा है हम उसे पहले एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि जब हम इन्हें कलेक्ट करेंगे तो वैसे भी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल गिव यू जीरो, तो मैंने LHS और RHS में से उसे कट डाउन कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लगे इसलिए। अब AX ये भी एलिमिनेट हो रहा है, AX एंड AX विल ऑल्सो एलिमिनेट, क्योंकि कलेक्ट करेंगे तब भी ये जीरो होगा। मैं करके आपको दिखा देती हूँ, लेट से ये यहाँ लाते तो हम माइनस में आता और क्या होता, कैंसिल होता, तो लाने के बजाय मैंने उसे डायरेक्टली ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, बी एक्स, राइट हैंड साइड वाला बी एक्स जब लेफ्ट हैंड में आया तो प्लस बी एक्स हो गया, माइनस इसको भी हम अल्फाबेटिकली लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता, हम इसे ए बी लिखेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बी ए आई एम राइटिंग ए बी, ये एज इट इज, एंड दिस प्लस ए बी विल कन्वर्टेड इंटू माइनस ए बी। अभी हमारे पास बी एक्स एंड बी एक्स इज ट्वाइस बी एक्स, लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगी, सिमिलरली इट इज माइनस ट्वाइस ए बी। अब हम एक्स फाइंड करेंगे तो हमारा होगा माइनस ट्वाइस ए बी अपॉन ट्वाइस बी, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल बचेगा माइनस ए, सो योर आंसर इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। फाइन, क्वेश्चन सिंपल था बट सारा जो क्वेश्चन था इट वॉज इन अल्फाबेटिकल फॉर्म, तो हमको यह नंबर एक भी नहीं था, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना था। और जब भी हम जैसे बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, लेट से बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो इट इज इक्वलेंट टू बी ए और ए बी, तो आप कोशिश करेंगे कि उसे ए बी लिखें, अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखने से थोड़ा क्वेश्चन जो है वो अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये थे सारे आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस। नाउ अनदर गुड वन इज, अभी तक हमें क्या दिया था, सारे नंबर्स थे, वेरिएबल्स थे, वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर थी वो वन थी, मींस लीनियर फॉर्म में थे। एक एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक इस तरह से हमें पैटर्न था। ठीक है, अब इनकी भी पावर इंक्रीज्ड मींस पॉलिनोमियल फॉर्म में है, राइट, जिस जो वेरिएबल है उसकी डिग्री वन से ज़्यादा है तब हम क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, 6x² प्लस 13x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12x² प्लस 5x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस। क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और हमारे प्रीवियस एग्जांपल्स में, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी लीनियर पैटर्न है, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, सिमिलरली यहाँ भी x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, बट इन द न्यूमरेटर यहाँ पर x की हाईएस्ट डिग्री चेंज हो गई है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट स्टिल द प्रोसीजर विल बी द सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बिफोर मल्टीप्लीकेशन मैं आपको सिंपल सी छोटी सी चीज़ें वापस रिकॉल कराऊंगी, कहीं ऐसी सिचुएशन आए कि x इंटू एक्स, तो इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज दोनों की पावर क्या है, 1 है, एंड बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर विल बी एडेड, सो द रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर। कहीं आपका आ जाए एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो इट विल एक्स टू द पावर 5। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो सिंपल, जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अभी हम क्रॉस करेंगे, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में, तो हमारा क्या होगा, 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6x² प्लस 13x माइनस 4। मल्टीप्लाई सिंपल होगा, बस आपको केयरफुली करना है क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, 12x² प्लस 5x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
Now distributive property, 4x का each and every term से multiply होगा जो भी bracket के अंदर है. Fine. 4x multiply by 6x square. 6 4 is 24. X and x square will give you x to the power 3. मैंने इसीलिए आपको अभी ये power वाला concept वापस से repeat किया. तो x into x square is equivalent to x to the power 3. Fine. Now 4 13 are 52. X into x is x square. 4x minus 4 is minus 16x. अभी तो हमारा सिर्फ 4x का multiply हुआ. Plus इसको हम LHS और RHS में करते हैं. ठीक है? पहले हम LHS ले लेते हैं. ये हमारा LHS है. ठीक है? क्योंकि ये ही लंबा जा रहा है. फिर हम RHS solve करेंगे. Now 3 से 3 multiplied by 6x square is 18x square. 3 and 13, 39x and 3 4s are 12. ये पूरा हमारा LHS हो गया. Is equal to now RHS. RHS भी same होगा. 2x का each and every term से multiply होगा. 2 into 12. 24 x to the power 3. Why x to the power 3? Because x into x square will give you x to the power 3. 2x ka 5x se 10x square. 2x minus 2 is 4x. Similarly 5 ka 5 12 za 60x square. 5 5 za 25x and 5 and minus 2 is minus 10. Kafi lengthy equation ban gayi, but easy ho jayegi agar aap same terms find kar le. 24x cube jo hai aapka cancel ho jayega. Wahi same elimination, isko shift agar hum karenge ya transpose karenge to sign opposite hoga and it will give you 0. तो हमने उसे directly ही cut down कर दिया. ठीक है? अब जो remaining है, पहले हम उसे carefully लिख लें. X square वाली हम collect कर लें. 15x square plus 18x square. Right side की भी x square वाली हम यहाँ ले आते हैं. Plus 10x square is in minus 10x square. Minus 60x square. अब हम x वाली, मैंने कौन कौन सी ले ली है, मैं उन्हें ब्लू कलर से टिक कर रही हूँ. आई हैव कंसीडर्ड दिस 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 एंड दिस. नाउ x की माइनस 16x ऑलरेडी यहाँ है, प्लस 39x इज ऑलरेडी हेयर. राइट वाले x भी मैं इस तरफ ले आऊंगी. 4x इज इन प्लस 4x माइनस 25x. फाइन. आप सारे नंबर्स राइट हैंड पे हम रख लेंगे. तो पहले हमारे पास से माइनस 10 एंड माइनस 12 इज कन्वर्टेड इनटू प्लस 12. फाइन. नाउ 52x स्क्वायर 18x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 70x स्क्वायर. फाइन. माइनस 10x स्क्वायर माइनस 60 इज अगेन 70x स्क्वायर. रेस्ट लिख लें हम. 39x प्लस 4x माइनस 25x इज इक्वल टू 2. ये भी सॉल्व हो गया. 70 अगेन कैंसिल हो रहे. फाइन. अभी हमारी इक्वेशन और सॉल्व होके सिंप्लीफाई हो चुकी है. अब हम सिर्फ x x को सॉल्व करेंगे. 39 एंड 4 कितना हो जाएगा, एंड 16 एंड 25 एक तरफ, तो 39 एंड 4 विल गिव यू 43x एंड 25 एंड 16 6 एंड 5 11 41x. ये हो गया बहुत ही सिंपल. इज इक्वल टू 2. इसको हम यहाँ आप कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. 43x माइनस 41x इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 2.
सो एक्स इक्वल टू टू अपॉन टू मीन्स वन. कितना छोटा सा आंसर आया इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन का, एक्स इक्वल टू वन. बट आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपको बहुत ध्यान से करना है. हमने यहाँ तक पूरा LHS कंप्लीट किया है, दिस इज योर LHS. फिर इक्वल टू के राइट साइड में हमारा है RHS. तो LHS ही इतना बड़ा है तो आपको बहुत केयरफुली इसको मल्टीप्लाई करना है. और जितनी सेम टर्म LHS और RHS दोनों जगह पर हैं वो डायरेक्टली क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी. एलिमिनेट होने का रीज़न वही होता है कि जब हम इन्हें कलेक्ट करेंगे तब भी ये जीरो ही रिजल्ट देंगी. पर सेम टर्म सेम साइन होना चाहिए अगर बीच में इक्वल्स टू है तो. ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, तो आप इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन को भी खूब प्रैक्टिस करिए. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. इसमें चेंज पिछले क्वेश्चन से ये है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास सब कुछ लीनियर फॉर्म में था या नंबर्स थे. लीनियर फॉर्म में था मीन्स एक्स की डिग्री जो थी हाइएस्ट डिग्री वो वन थी. अब यहाँ पर हाइएस्ट डिग्री भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है. सॉल्व एंड चेक ऑल्सो, इसको हमें चेक भी करना है. क्वेश्चन इज 6x² प्लस 13x माइनस 4 होल अपॉन 2x प्लस 5. ये क्या है, लीनियर है. बट दिस इज नॉट लीनियर बिकॉज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ x इज 2, तो दिस इज पॉलीनोमियल. 12x² प्लस 5x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3. क्वेश्चन लेंथी जरूर है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा अगर आप इसे केयरफुली सॉल्व करें. ठीक है, फर्स्ट स्टेप वो का वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे टर्म्स को ब्रैकेट में लिखेंगे जिससे मल्टीप्लिकेशन इजी भी हो और करेक्ट भी हो. 13x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 5. 12x² प्लस 5x माइनस 2. बहुत ही केयरफुली मल्टीप्लिकेशन बिकॉज इट्स वेरी वेरी लेंथी. सबसे पहले 4x का ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा. 4 6 24. हाँ, मल्टीप्लाई करने के पहले एक छोटी सी चीज़ आपको रिकॉल करा दूँ. लेट्स से एक्स इंटू एक्स हमारे पास है तो हम उसे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं. कैसे, हम पावर को ऐड कर देते हैं. व्हेन बेसेस आर सेम एंड द ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी एडेड. ये रूल अप्लाई करने से हमारा एक्स स्क्वायर आता है. लेट्स से हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5 आए तो हमारा आंसर एक्स 7 होगा. x इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए तो हमारा आंसर एक्स क्यूब होगा. ये मैंने आपको इसलिए रिकॉल कराया क्योंकि यहाँ पर अप्लाई होगा. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ईजी करने के लिए हमने पावर की प्रॉपर्टी को रिकॉल किया. 4 6 24, x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स क्यूब. 4x मल्टीप्लाई बाय 13x, 13 4 52, एक्स स्क्वायर. 4x माइनस 4 इज 16x. अभी लेफ्ट पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, केवल एक नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है. अब 3 का सबसे मल्टीप्लाई होगा. 3 6 18x² 3 13 39x. 3 × -4 इज -12. यहाँ तक आपका अभी लेफ्ट पार्ट ही हुआ है. अब हम राइट पार्ट को सॉल्व करें. 2x का अगेन सबसे मल्टीप्लाई. 2x एंड 12 इज 24x³. फाइन, 2x प्लस 5x इज 10x². पावर की प्रॉपर्टी क्लियर है तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया. 2x इंटू 2 इज -4x. नाउ 5 12 जा 60x² 5 5 are 25x and 5 minus 5 multiplied by -2 is -10. 6 term हमारी यहाँ भी हो गई, 6 term हमारी यहाँ भी हो गई, but 24 हमारा
एलिमिनेट होता हुआ हमें क्लियरली दिख रहा है. वाई? बिकॉज एक इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे है, दोनों के साइन बिल्कुल सेम है. सेम होने से ये एलिमिनेट हुए. अगर आप इसे ऐसा ना करना चाहें तो इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं, तो 24x³ - 24x³ विल गिव यू 0. दैट्स व्हाई आई हैव कट डाउन डायरेक्टली. ठीक है, अब बाकी बचा हुआ हम सॉल्व करेंगे. x² एंड x² हम एक साथ लिख लेते हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म. -16x + 39x - 12 इज इक्वल टू, यहाँ भी हम वही करेंगे, 10x² + 60x² - 4x + 25x - 10. अभी हमने कुछ भी नहीं किया, केवल लाइक कलेक्ट कर ली. इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 70x² इनको दोनों को सॉल्व करेंगे, 3, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 23x+ के मिलेंगे. ठीक है, -12 इज इक्वल टू 60 एंड 10, अगेन 70x² + 21x - 10. फाइन, फिर से यहाँ पर एलिमिनेशन अप्लाई हो जाएगा, 70x² अगेन कैंसिल हो जाएंगे. अब हमारा जो इक्वेशन है मैं इसे यहाँ सॉल्व करूँगी, 23x - 12 इज इक्वल टू 21x - 10. नाउ अगेन कलेक्ट लाइक टर्म, 23x - 21x इज इक्वल टू -10 + 2. सिंपल कलेक्शन ऑफ टर्म्स, 2x इज इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2/2 मीन्स 1. कितना छोटू सा इसका आंसर आया, जबकि इक्वेशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी. ठीक है, अब हमने ये सही किया है या नहीं इसे वेरीफाई करने के लिए, वैसे तो ये यहाँ भी हो जाएगा, हम यहाँ कोशिश करते हैं, चेक x = 1 इज द सॉल्यूशन और नॉट. LHS सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे. LHS में जब हम 1 पुट करेंगे, मैं डायरेक्टली LHS में 1 रख रही हूँ, 6 × यहाँ पे LHS 6 × 1² + 13 × 1 - 4/2 × 1 + 5. सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, 1² = 1, 6 × 1 = 6 + 13 - 4/2 × 1 = 2 + 5, 19 - 4 = 15/7. अब हम RHS करेंगे. स्टूडेंट बेटर है हम इसे रब करके ही सॉल्व कर लें, ये यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है. x = 1 इज योर सॉल्यूशन, बट ये सही है कि नहीं इसके लिए हमें क्या करना होगा, LHS और RHS इक्वल ला के दिखाना होगा. उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा. देखिए, सबसे पहले हम LHS लेंगे, विच इज 6x² + 13x - 4/2x + 5. नाउ आई विल पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ x, आई विल सब्स्टिट्यूट 1. 13 × 1 - 4/2 × 1 + 5. 1² = 1, 6 × 1 = 6. 6 + 13 × 1 = 13 - 4/2 × 2 + 5. कितना हुआ ये, 6 एंड 13 इज 19, 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 15/7. LHS आपका आया है 15/7, तो RHS भी क्या आना चाहिए, यस इट शुड ऑल्सो कम 15/7. नाउ RHS, 12x² + 5x - 2/4x + 3. 12 1² - 2/3 1² = 1, 12 × 1 = 12. 12 + 5 - 2/4 = 4 and 3 = 7. Now 12 + 5 = 17, 17 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 15/7. What it shows,
LHS is equal to RHS, means x equals to 1 is the solution or root or answer of this particular equation. तो क्वेश्चन सिंपल था बट इट वॉज लिटिल लेंदी. तो बस एक ही चीज की जरूरत है कि हमको इसे केयरफुली सॉल्व करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 होल अपॉन 5x प्लस 1 is equals to 6. सबसे पहले डिनोमिनेटर में हम क्या पुट कर लेंगे, 1, क्योंकि क्वेश्चन की सिमेट्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ये एज इट इज कॉपी. इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहां पर लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लाई लीनियर इक्वेशन से ही हो रहा है, 6 into 5x plus 1. Fine? Now, बहुत ध्यान से करना है, x square as it is, minus as it is, इन दोनों टर्म का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो we'll put one bracket, वो सारा मल्टीप्लीकेशन हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. x into x is x square, वही एरो लगा लीजिए, plus x into 2 is 2x, similarly 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 into x is x, 1 into 2 is 2. ये ब्रैकेट कोई भी आप ये वाला लगा लीजिए जो लगाना है. मैंने इसलिए लगाया कि माइनस का इफेक्ट इस क्वेश्चन पे पड़ेगा. ठीक है, सिमिलरली यहाँ होगा 6 5 30x प्लस 6. ना एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, जो भी ओरिजिनल है उनसे जस्ट ऑपोजिट. दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट विल कन्वर्टेड इनटू माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 30x प्लस 6. ना एक्स स्क्वायर तो जीरो ही हो गया क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 2x माइनस एक्स इज माइनस 3x. अब कलेक्शन कर लेंगे, माइनस 3x माइनस 30x इज इक्वल टू 6 प्लस 2, माइनस 33x इज इक्वल टू 8. यहाँ देखिए, सो x इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 33, सो दिस इज योर आंसर. यहाँ पर कलेक्शन किया हमने और सिंपल x की वैल्यू फाइंड आउट करी, जो कुछ अजीब सी आई है 8 अपॉन माइनस 33. अगर आपको लग रहा है गलत है तो इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करिए, बट इट इज राइट आंसर बिकॉज ये मैंने सॉल्व किया है. ठीक है, तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए. सो स्टूडेंट, आई हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस, इंटू, डिवाइड एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. नाउ अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा प्रॉब्लम सम पे बेस्ड हो गया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मेजर एप्लीकेशन जो होता है वो प्रॉब्लम सम्स में होता है. ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या लेंगे, प्रॉब्लम सम्स.